हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लकीज चैनल। सो दो तीन दिन पहले मम्मा का बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा था और उन्होंने मेडिसिंस वगैरह दी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना, अगर नॉर्मल हो जाए तो वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं अभी शाम का टाइम हो गया है, उनका बीपी नॉर्मल हो चुका है, बट मैं तो भी चेक करती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर को बताना है। एंड एवरी टाइम जब भी मैं मम्मा का बीपी चेक करती हूँ सो लकी आकर उनके पास इतना ज़्यादा कंसर्न होके बैठ जाता है और एकदम ध्यान से जो बीपी मॉनिटर है उसको देखता रहता है। उसे पता नहीं ये सब चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती, वो मुझे नहीं पता, बट उसे ये पता है कि अगर मम्मा को बीपी की मशीन लगाई है एंड उसके बाद अगर उनका बीपी हाई हुआ है तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है और इतने ध्यान से देखता है वो, जैसे वो खुद डॉक्टर। और ये चीज़ ना मुझे उसकी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसकी ये वाली क्लिप शेयर करूँ। और आज सुबह से मम्मा की तबीयत जब से ख़राब हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा, ना वो खेल रहा है ना कुछ खा रहा है, बस इसी तरह परेशान हो रहा है। और कुछ कुछ देर में जब मैं मम्मा का बीपी चेक करती हूँ, इस तरीके से आकर मम्मा को प्यार करता है एंड उनसे कहता है सब ठीक हो जाएगा और पूरे टाइम मम्मा के पास ही रह रहा है, दो सेकंड के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सो वो इतना क्यूट हरकतें करता है ना कि कभी कभी तो मन होता है कि उसे ढेर सारी किस्सियाँ दो। और यही सब चीज़ें देखकर मम्मा का ना बीपी भी नॉर्मल हो गया था क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा था। सो शाम तक उनका बीपी एकदम ठीक था, तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि मम्मा को वापस से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, इसलिए वो पूरे टाइम इस तरीके से मम्मा के पास लेटा हुआ है और पूरे टाइम अपनी जो भी चीज़ें हैं ना लेकर आता है, मम्मा को देता है या फिर उन्हीं के पास लेट कर खेलता है। मैं उसे हटाने की कोशिश भी कर रही थी कि मम्मा थोड़ी देर के लिए सो जाए, बट मम्मा ने कहा कि नहीं उसे ऐसे ही लेटे रहने दो, तो जिससे उसे भी अच्छा फील होगा और मम्मा को भी अच्छा फील होता है अगर वो आसपास रहता है। तो मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, सो वो मुझे मार रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था क्योंकि उसे लग गया था कि मम्मा अब ठीक हो गई है, तो वो मुझे डरा के भगा रहा था कि मम्मा के पास बिल्कुल नहीं आना। सो चलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय। मैं इसी तरह उसकी प्यारी प्यारी क्लिप्स शेयर करती रहूँगी।